बॉलीवुड इंडस्ट्री के कहे जाने वाले शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन, जो अक्सर अपने जलसा बंगला से अपनी तस्वीरें अपनी वीडियो शेयर करते हैं और जलसा में ही अक्सर उनकी मुलाकात उनके फैंस से होती है। जब हर हफ्ते की शुक्रवार की शाम अमिताभ बच्चन रूबरू होते हैं अपने फैंस और जनता के साथ, उनके जलसा बंगला के बाहर अक्सर जनता की भीड़ रहती है सिर्फ अमिताभ की एक झलक पाने के लिए। आपको बताते चले कि अमिताभ की झलक पाने के लिए फैंस दीवाने हैं। और इस बीच आज हम बात करेंगे आपके साथ अमिताभ बच्चन के इसी बंगले जलसा को लेकर। आखिर कौन था अमिताभ बच्चन से पहले इस जलसा का मालिक, देखिए ये रिपोर्ट। अमिताभ से पहले कौन था जलसा का मालिक? अंदर से ऐसा दिखता है 120 करोड़ का ये बंगला। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और उनका परिवार मुंबई के जुहू के जलसा नाम के बंगले में रहता है। ये बंगला अंदर से कितना खूबसूरत और आलीशान है, इसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बंगले में अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या भी रहते हैं। यही वो बंगला है जहां पर अमिताभ बच्चन हर रविवार को बाहर आकर फैंस के साथ मुलाकात करते हैं। जलसा का इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ सुंदर फर्नीचर और डेकोरेशन का सामान है। जलसा देखने में किसी महल से कम नहीं लगता। जाने माने डायरेक्टर रमेश शिप्पी ने अमिताभ को ये बंगला अपनी फिल्म सत्य पे सत्ता में एक्टिंग के लिए दिया था। उसके बाद ये बंगला उन्हें इतना पसंद आ गया कि उन्होंने इस बंगले को खरीद लिया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार जलसा की कीमत 100 से 120 करोड़ के बीच है। फिल्म चुपके चुपके, आनंद, नमक हराम, सत्य पर सत्ता जैसी फिल्मों की शूटिंग जलसा में ही हुई है। एक्टर अमिताभ बच्चन ने जो पहला घर खरीदा था उसका नाम प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा और जलसा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी का डिस्टेंस है। जलसा और प्रतीक्षा के अलावा अमिताभ बच्चन के पास जनक नाम का एक बंगला है जिसमें वो अपना ऑफिस चलाते हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।